यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। सम्मिश्र संख्या जेड का कोणांक और चतुर्थांश पर निर्भर करता है। सम्मिश्र संख्या जेड का कोणांक चतुर्थांश पर निर्भर करता है। जेड की स्थिति है, अतः यदि ए जीरो से बड़ा और बी जीरो से बड़ा हो तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। कोणांक जेड बराबर होगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए का मापांक बराबर थीटा। यदि ए से जीरो बड़ा है और बी स्वयं जीरो से बड़ा है तो द्वितीय चतुर्थांश होगा, तब कोणांक जेड का मान पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए पाई माइनस थीटा। ए से जीरो बड़ा बी से जीरो बड़ा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, तब कोणांक जेड का मान तृतीय चतुर्थांश में माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए यानी माइनस पाई माइनस थीटा। और ए जीरो से बड़ा और बी जीरो से स्वयं बड़ा हो तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, तब कोणांक जेड का मान बराबर माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए माइनस थीटा। सम्मिश्र संख्या जेड बराबर जीरो का कोणांक परिभाषित नहीं होगा। सम्मिश्र संख्या जेड बराबर जीरो का कोणांक परिभाषित नहीं होगा अर्थात अपरिभाषित है। अब देखो इसको रिपीट करते हैं वापस। सम्मिश्र संख्या जेड का कोणांक चतुर्थांश पर निर्भर करता है जिसमें जेड की स्थिति ए जीरो से बड़ा हो और बी भी जीरो से बड़ा हो तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। जेड बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए बराबर थीटा। ए से जीरो बड़ा और बी स्वयं जीरो से बड़ा हो तो द्वितीय चतुर्थांश होगा, यानी कि ए से जीरो बड़ा हो ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो तो द्वितीय चतुर्थांश होगा। कोणांक जेड बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ए से जीरो बड़ा और बी से जीरो बड़ा हो तो तृतीय चतुर्थांश होगा, तब कोणांक जेड बराबर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए माइनस पाई माइनस थीटा। ए से जीरो से बड़ा हो और बी से जीरो बड़ा हो तब चतुर्थांश होगा चतुर्थ चतुर्थांश, तब कोणांक जेड बराबर होगा माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए माइनस थीटा। सम्मिश्र संख्या जीरो का कोणांक परिभाषित नहीं होगा अर्थात अपरिभाषित होगा। अब देखो आपके सामने है 5.2। 5.2 का प्रश्न नंबर पहला, जेड बराबर माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका हल इस प्रकार है, जेड बराबर होता है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो तुलना करेंगे अपन, जेड बराबर माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री आर कॉस थीटा बराबर माइनस वन और आर साइन थीटा बराबर माइनस रूट थ्री। ये हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो और ये इक्वेशन सेकंड दे दो। इक्वेशन वन प्लस वर्ग और सेकंड का भी वर्ग करने करके जोड़ने पर तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का वर्ग करके जोड़ना, आर स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस अंडरूट का वर्ग, अंडरूट हट गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा ये हो गया अपने पास चार। यह आर स्क्वायर का मान चार और ये अपने पास आर का मान आ गया। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, आर आर स्क्वायर का मान दो, दो का स्क्वायर आया तो चार है तो ये साइन स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा का मान आ गया एक। इसका मान एक लिख दिया यहां पर, आर स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर तो आर का मान अपने पास आ गया दो, आर का मान आ गया दो। तो अब देखो ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव है, यहां पर सम्मिश्र संख्या का कोणांक, सम्मिश्र संख्या का ए ए का मान तो अपने पास है माइनस वन और बी का मान है अपने पास माइनस रूट थ्री, यानी ए से जीरो बड़ा है और बी से भी जीरो बड़ा है तो ये होगा तृतीय चतुर्थांश में
चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो देखो तृतीय चतुर्थांश में होगा, तब इसका कोणांक माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन बराबर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई टेन रूट थ्री, रूट थ्री मान आ जाएगा अपने पास टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री, टेन इनवर्स टेन थीटा आ जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री लिमिट आगे थ्री लसअप आगे थ्री माइनस थ्री पाई प्लस पाई, थ्री पाई में से पाई गया माइनस के टू पाई अपॉन थ्री, इसका मापांक आ गया दो, मापांक आ जाएगा दो, तो आर स्क्वायर बराबर मापांक आ जाएगा, तो इसका तो ये आ गया कोणांक मापांक आ गया दो और कोणांक आ गया माइनस टू पाई अपॉन थ्री। तो देखो जेड मिश्र संख्या और माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा से तुलना की, जेड बराबर माइनस वन माइनस आइटा रूट थ्री, आर कोस थीटा बराबर माइनस वन आर साइन थीटा बराबर माइनस रूट थ्री, इक्वेशन एक और दो का वर्ग किया, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन का माइनस वन का स्क्वायर हो गया प्लस, अंडर रूट का वर्ग किया अंडर रूट किया माइनस का वर्ग हो गया प्लस, एक और तीन हो गया चार, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर चार, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का मान एक, आर स्क्वायर बराबर चार, आर स्क्वायर दो का स्क्वायर आर का मान आ गया दो, यानी मापांक का मान आ गया अपने पास दो, ए का मान माइनस वन बी का मान माइनस रूट थ्री, ए से जीरो बड़ा और बी से अगर जीरो बड़ा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो कोणांक माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स रूट माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन माइनस माइनस प्लस, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन रूट थ्री बराबर आता है टेन पाई बाई थ्री, तो टेन इनवर्स टेन थीटा हो गया पाई बाई थ्री, माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री माइनस लस पाई थ्री, माइनस थ्री पाई प्लस पाई माइनस टू पाई अपॉन थ्री, मापांक आ गया दो और कोणांक आ गया माइनस टू पाई में थ्री। प्रश्न संख्या दो, जेड बराबर माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, जेड बराबर माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हल इस प्रकार, देखो जेड बराबर माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, इसकी अपन तुलना करते हैं, जेड बराबर आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, इसे तुलना करते हैं अपन, तो आर कोस थीटा बराबर माइनस रूट थ्री इक्वेशन एक, आर साइन थीटा बराबर वन, दोनों तरफ इक्वेशन एक और दो का वर्ग करते हैं, इक्वेशन एक का वर्ग प्लस इक्वेशन दो का वर्ग करके जोड़ने पर आर स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर माइनस अंडर तीन का वर्ग, अंडर रूट हट गया माइनस का हो गया प्लस, वन का हो गया वन, आर स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इसका मान होता है एक, आर स्क्वायर इसका मान हो गया एक बराबर, ये चार को लिख रहा हूँ दो का स्क्वायर, आर बराबर आ गया दो, ये आ गया अपने पास मापांक, वैसे भी मापांक मापांक आ गया अपने पास, मापांक वैसे होता ही यही है आर, यह आ गया मापांक,
और आर का मान होता है अपने पास यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह आर कोस थीटा, बी की जगह आर साइन थीटा है। तो अब है अपने पास कोणांक, तो ए या ए का जगह अपने पास है माइनस रूट थ्री और बी की जगह अपने पास है वन, तो ए से जीरो बड़ा है और बी खुद जीरो से बड़ा है, तो ये होगा अपने पास द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में सम्मिश्र संख्या का कोण, सम्मिश्र संख्या का कोण, तो अपने पास कोणांक, कोणांक z बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो पाई माइनस टेन इनवर्स बी की जगह अपने पास है एक, यह है अंडर रूट थ्री पाई माइनस मपांग आ जाएगा यहां माइनस एक बटा रूट थ्री टेन इनवर्स टेन पाई बाई सिक्स का मान है पाई बाई सिक्स, पाई माइनस पाई बाई सिक्स टेन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा पाई बाई सिक्स प्लस सबागे सिक्स प्लस सबागे सिक्स, तो ये आ गया सिक्स पाई माइनस पाई बराबर पांच पाई अपॉन सिक्स दी गई सम्मिश्र संख्या का, दी गई सम्मिश्र संख्या का ये है कोणांक, संख्या का कोणांक है अपने पास पांच पाई बटा सिक्स और मापांक आर बराबर है दो। वापस रिपीट करते हैं पूरे प्रश्न को अपन, z बराबर माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए, z बराबर माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r cos थीटा बराबर रूट थ्री माइनस रूट थ्री आर साइन थीटा बराबर वन, इक्वेशन वन और टू, इक्वेशन वन का वर्ग किया प्लस इक्वेशन टू का वर्ग करके जोड़ा, आर स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर तीन का माइनस का वर्ग किया, अंडर हट गया माइनस का हो गया प्लस तीन, ए का वर्ग एक, तीन और एक हो गया चार, आर स्क्वायर लिया कॉमन, कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा का मान था एक, आर स्क्वायर बराबर दो का स्क्वायर, आर बराबर दो आ गया, मापांक आ गया आर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये आर बराबर मापांक आ गया, ए का मान माइनस रूट थ्री, बी का मान वन, ए से जीरो बड़ा है, बी जीरो से बड़ा है, द्वितीय चतुर्थांश में सम्मिश्र संख्या का कोणांक, कोणांक जेड बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स, द्वितीय चतुर्थांश होगा तो पाई माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो ये आपके मापांक, ऐसे लिख दो इसको टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो ये आपके माइनस है तो माइनस मापांक के अंदर से प्लस हो जाता है, तो ये अपने पास एक बटा माइनस रूट थ्री मापांक का मान हो जाएगा प्लस पाई बाई सिक्स टेन इनवर्स टेन थीटा पाई बाई सिक्स, पाई माइनस पाई बाई सिक्स सिक्स पाई माइनस पाई छह पाई में से पाई गया पांच पाई बटा सिक्स, दी गई सम्मिश्र संख्या कोणांक पांच पाई बटा सिक्स, मापांक आर का मान दो है। प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या चार, पांच और छह ध्रुवीय रूप है जो आपके कोर्स में, जो कोर्स में नहीं है, तो ये आपके 5.2 प्रश्नावली कंप्लीट है, प्रश्न नंबर तीन चार पांच छह ध्रुवीय रूप है जो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए ये आपके 5.2 कंप्लीट हो गई प्रश्नावली।